हे गाइस, द जैक फ्रूट सेज हाय टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को स्टडी किया। हमने देखा कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, उसका फॉर्मूला डेफिनेशन क्या होती है और उसको किस तरीके से एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखा जाता है। तो इस मॉड्यूल में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका है कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो आइए इसको देखते हैं। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ, दीज आर रिटन without showing individual bonds. तो condensed formula में कोई भी individual bond को show नहीं किया जाता। कुछ examples देख लेते हैं। Let's say we have C2H6, ये ethane का molecule है। Similarly C5H12, ये पेंटेन का मॉलिक्यूल है। C4H8, ये ब्यूटीन का मॉलिक्यूल है। सिमिलरली C2H5OH, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल, सॉरी दिस इज इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। सिमिलरली CH3COOH, तो ये इथेनोइक एसिड है या फिर एसेटिक एसिड भी इसको बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। देन वी हैव कंप्लीट फॉर्मूला। कंप्लीट फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, दीज आर स्ट्रक्चर्स इन विच ऑल बॉन्ड्स आर shown with lines and all non-bonding electrons, are shown by dots. तो जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम C2H6 मॉलिक्यूल का ये एग्जांपल ले लेते हैं। C2H6 में हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, CH3CH3। ओके, दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला फॉर C2H6। Now let's have a look for C4H8. In C4H8 molecule, we can assume that the double bond is present at the first carbon. तो पहले कार्बन पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद यहाँ एक हाइड्रोजन CH2 और लास्ट में CH3। नेक्स्ट हम इथेनॉल मॉलिक्यूल को देखते हैं, C2H5OH। तो इथेनॉल का जो मॉलिक्यूल है दैट इज CH3CH2OH। ओके, ऑक्सीजन पे चार नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिनको मैं डॉट्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। सिमिलरली वी हैव CH3COOH, इथेनोइक एसिड, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, CH3C OOH और चार इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द कंप्लीट फॉर्मूला। बॉन्ड्स को लाइंस से और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइन एंगल फॉर्मूला और स्टिक फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज मोस्टली रिटन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। चीज़ों को आसान करने के लिए हम लाइन एंगल फॉर्मूला या स्टिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दीज आर ऑफन यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये ज़्यादातर साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है और इसको हम बड़ी आसानी से नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
bonds are represented by lines, तो हम bonds की जगह lines का use करेंगे. Carbon atom are assumed to be present where two lines meet or the line begin or end. ठीक है, or the line begins or line begins or ends. ओके, तो जहां पे भी दो लाइंस मिल रही होंगी या लाइन शुरू होगी या खत्म होगी वहां हम कार्बन को अज्यूम करेंगे. हाइड्रोजन्स आर इम्प्लिसिट, हाइड्रोजन्स आर इम्प्लिसिट ऑन कार्बन एटम्स, यानी हाइड्रोजन को हम शो नहीं करेंगे. अब जहां भी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना होगा वहां पे हम हाइड्रोजन अज्यूम कर लेंगे. सो दिस इज हाउ लाइन एंगल फॉर्मूला इज रिटन. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. तो यहां पे सबसे पहले अगेन मैं C3H8 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लूंगा जिसको सिंपली इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, CH3, CH2 एंड CH3. ओके, लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल. जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने साइक्लोपेंटेन ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, या फिर हम और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इस तरीके की चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉर्नर्स पे हमेशा हमें एक CH3 ग्रुप मिलेगा. जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रही हैं वहाँ पे हमेशा हमें एक CH2 ग्रुप मिलेगा. जहाँ पे तीन लाइंस आपस में मीट कर रही हैं इस तरीके से वहाँ पे हमेशा हमें एक CH ग्रुप मिलेगा. जहाँ पे चार लाइंस मीट करेंगी कुछ इस तरीके से वहाँ पे हमेशा एक कार्बन होगा और उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं होगा. ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम थोड़ी देर में इलैबोरेट करेंगे और इसको समझेंगे. तो आइए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिस्ट किए हैं. जब इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे मॉलिक्यूल्स को इंटरप्रेट करने में. तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्बन है उस पर तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, तो मैंने उनको कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया. ये कार्बन फिर से एक CH2 से कनेक्टेड है और वहाँ पे दो बार CH2 का रिपीटिशन है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, दो CH2 और लास्ट में फिर वो एक CH3 से कनेक्टेड है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. ये एक CH3 ग्रुप है, CH3 जो कि दो CH2 ग्रुप से कनेक्टेड है, CH2 CH2. फिर वो एक कार्बन से कनेक्टेड है जो कि एक हाइड्रोजन और दो CH3 से कनेक्टेड है, तो एक हाइड्रोजन और दो CH3 से कनेक्टेड है, तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. आइए अगला एग्जांपल देखते हैं. अगले एग्जांपल में ये जो कार्बन है वो ऑलरेडी तीन CH3 ग्रुप से कनेक्टेड है, तो मैंने तीन CH3 ग्रुप को इस तरीके से बना लिया. ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक CH3, सो एक हाइड्रोजन एक CH3 एक CH2, यानी ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है जो कि एक CH2 ग्रुप है. फिर ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है जो कि एक और हाइड्रोजन और दो CH3 से कनेक्टेड है. जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इन टाइप के मॉलिक्यूल्स के इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसान है. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नेक्स्ट, ये जो लाइन एंगल फॉर्मूला मैंने ड्रॉ किए हैं उसको मैं इलेबोरेट अप करूँगा. मैंने जैसा कहा था कि कॉर्नर्स पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ CH3. ये एक CH से कनेक्टेड है,
ये CH एक CH3 से कनेक्टेड है तो ऊपर मैंने एक CH3 जोड़ दिया. दिस इज़ अगेन कनेक्टेड टू अ CH ग्रुप, यहाँ फिर CH लिखा, इसके नीचे एक CH3, यहाँ पे एक CH2 और ये CH2 फाइनली एक CH3 से कनेक्टेड है. तो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल विल बी रिटन. अगला एग्जांपल देखते हैं. अगले एग्जांपल में यहाँ पे एक CH ग्रुप है जो कि ऊपर एक CH3 से कनेक्टेड है, फिर बाकी ये जितने भी चार कार्बन्स हैं ये सारे के सारे CH2 के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. CH2 कुछ इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखते हैं. यहाँ पे एक CH3 कनेक्टेड है सो आई हैव रिटन CH3, देन CH2, यहाँ पे एक CH प्रेजेंट है, CH एक CH3 से जुड़ा है, CH3 के बाद यहाँ पे हमारे पास एक CH ग्रुप है जो और दो CH3 से जुड़ा है. सो CH3CH3. सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड. नेक्स्ट एक हमें स्वास्तिक का सिंबल दिख रहा है, देखते हैं स्वास्तिक का सिंबल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा. मैं यहाँ बीच से शुरू करता हूँ. यहाँ पे एक कार्बन कनेक्टेड है जो कि चार CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको चार CH2 ग्रुप से जोड़ देता हूँ. CH2 CH2 CH2, और हम यहाँ देख सकते हैं कि हर CH2 फाइनली एक CH3 से जुड़ा हुआ है, तो हम सबको एक CH3 से जोड़ देते हैं. CH3 CH3 एंड CH3. तो हमारा जो स्वास्तिक का सिंबल है वो कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखेगा. सो दैट्स इट फॉर दिस मॉड्यूल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.